A very good morning to to all of you. Welcome वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वेलकम टू दी वाई फाइ स्टडी चैनल चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग Academy. So guys, shall we start with this? सारे लोग आगे यहाँ पे सुबह सुबह बिल्कुल बढ़िया सब सही चल रहा है ना एकदम मस्त यहाँ पे चलिए पढ़ाई करते रहिए एग्जाम जो है वो आपके प्रोबेबली अगस्त में अगर थर्ड वेव का जो जैसे बोला जा रहा है वैसे नहीं आया तो आपके एग्जाम्स वगैरह होंगे एंड प्लीज उसी जोश और जज्बे के साथ ना कई लोग जल्दी से निराश हो जाते हैं तो भाई यहाँ पे आपकी ये जनरल साइंस की क्लास सुबह डेली होती है जो आठवां टेस्ट ये कर रहे हैं अच्छा एक चीज और इससे पहले भी अपन ने एक सीरीज की थी ना तो उसके भी क्वेश्चंस कवर करने हैं आप लोगों को ये जो फर्स्ट टेस्ट शुरू है उससे पहले भी अपना एक टेस्ट चलता था ना साइंस का थर्टी क्वेश्चन वाला उसके क्वेश्चंस को भी प्लीज करके ना आप लोग कवर करिएगा अपार्ट फ्रॉम इट फ्री लाइव सेशन्स अन अकेडमी पे दो होते हैं जहाँ पे आपको एक छः बजे वाला सेशन होता है साइंस की थ्योरी कल नहीं हुआ था क्योंकि कल हार्ट पढ़ाना था और वो शायद पेन नहीं काम कर रहा था ना इसलिए नहीं हो पाई थी आज श्योरली होगा ठीक है आज होगा और आज इसमें या तो क्वेश्चन ही करेंगे थर्टी नहीं तो हार्ट को स्ट्रक्चर जो है ना उसको समझेंगे पूरा है ना हार्ट का तो इन दोनों में से एक चीज़ इस क्लास में करना है और दोनों ही चीज़ें आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थ्योरी तो हॉट की थोड़ी सी थ्योरी करके क्वेश्चन कवर करने वाले हैं उसके अलावा सात पी का जो आपका स्टैटिक जीके का टेस्ट रहता है उसको भी कवर करिएगा पचास क्वेश्चंस कवर करते हैं इसमें और शानदार करंट अफेयर्स आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन जो है रेलवे तो बहुत ही ज्यादा पूछती है एसएससी के इतने नहीं आते लेकिन रेलवे आर्ट एंड कल्चर बहुत ज्यादा पूछती है तो वो आपको कवर करना होगा

सीजीएल के दो सेट कंप्लीट किए थे जो पूछे गए थे इसमें 2020 में तो मार्च 2020 के सेशंस को कंप्लीट किया था राइट right. तो एक बार आज भी जो है ना वो हम SSC के ही सेशंस करने वाले हैं। तो नौ जो सेशन है, उसमें आज का क्या होने वाला है एस एस सी सी जी एल का दो हजार बीस का जो पेपर था वही अपन यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे करने लग रहे हैं अच्छा उसके अलावा साइंस मैराथन क्लास ये पिछले संडे नहीं हो पाई थी तो अभी जो है वो थ्री हंड्रेड क्वेश्चन के साथ साइंस की जो मैराथन क्लास है वो होने वाली है आपकी सत्ताईस जून को कब सत्ताईस जून को और सत्ताईस जून को सात बजे आपको क्या करना है साइंस मैराथन क्लास में आना है ठीक है स्कॉलरशिप टेस्ट दे दीजिए अन अकेडमी पे एस और रेलवे के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है तो आप उसमें अपनी तैयारी करिए बहुत सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे और अभी एस का मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है जहां पे आपको एडिशनल चार महीने का बेनिफिट भी मिलेगा अच्छा ये आपको हम बार बार क्यों एम्फोसिस हैं क्योंकि अभी जो है ना वो इसके रेट आपके हैं इतने मतलब वन मंथ का आप लेते हो या ट्वेल्व मंथ्स का लेते हो या ट्वेंटी फोर मंथ यानी कि टू ईयर का लेते हो तो पर मंथ ये थ्री ट्वेंटी फाइव का जाता है एंड बहुत जल्दी जो है ना इसके प्राइजेस हाइक होने वाले हैं यानी कि प्राइसेस बढ़ने वाले हैं तो आप जल्दी से अगर अभी भी सोच रहे हो कि लेना है नहीं लेना है ऐसा करके ना तो अभी ले लीजिए आपके पास बिल्कुल सही टाइम है और जो भी आप क्लासेस लेते हैं आप फ्री लाइव क्लासेस देखिए आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लीजिए आप शिप्रा लाइव कोड जो है वो यूज कर लीजिए एंड अपार्ट फ्रॉम इट अन अकेडमी पे फॉलो जरूर कर लीजिए एस एस सी के सेक्शन में जाके आपको अन अकेडमी पे फ्री क्लासेस मिलती हैं जहाँ पे आप फॉलो करोगे तो आपको छह बजे वाली सात बजे वाली और नौ बजे वाली तीनों ये जो क्लासेस हैं वो आपको मिल जाएंगी और आराम से आप तैयारी करिए चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बताइए ऑफ़ द ह्यूमन ब्रेन इन ग्राम इज टेलीग्राम पर टेलीग्राम पे कौन सी पीडीएफ यूट्यूब अन अकेडमी की जितनी भी क्लासेस की पीडीएफ होती हैं वो तो टेलीग्राम पे जाती हैं आप कौन सी पीडीएफ की बात कर रहे हो अनैता अनायिता वर्मा अनायिता वर्मा बताइए कौन सी पीडीएफ की बात हो चलिए पहला क्वेश्चन बताइए अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से ना अपने को ढालना सीखो आप लोग ना जैसे ये क्वेश्चन है आपसे वेट ऑफ आप द ह्यूमन ब्रेन पूछा जा रहा है पूछा जा रहा है ना जब वेट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन पूछा जा रहा है आप देखो कहीं पे भी 1400 तो नहीं है आप में से कई लोगों को आंसर जो है ना वो 1400 सीसी या 1400 ग्राम जो है वो लर्न होगा है ना तो अब आपने आंसर दिया ना 30 1350 यहां पे तो याद रखिए ह्यूमन ब्रेन का जो एवरेज वेट होता है वो थर्टीन फिफ्टी होता है और हमारा जो ब्रेन है ना शुरू में कितना हुआ करता था हंड्रेड सीसी हुआ करता था कहते हैं कि जो अर्ली मैं हुए थे नियंडरथल्स जिनको बोलते हैं ना नियंडरथल्स नियंडरथल्स जो थे वो क्या थे यहाँ पे उनके पास जो ब्रेन था वो सबसे ज्यादा था कितना सिक्सटीन सीसी ठीक है 1600 सीसी 1600 सीसी तब से लेके हमारा जो ब्रेन है वो 1400 सीसी पे आ गया है और अभी जो है वो आप 1350 सीसी करके याद रखिए ब्रेन का साइज जो है ना वो डिक, डिक्रीज ही होता जा रहा है यहाँ पे यूज करना शुरू करिए अपने दिमाग को ना नहीं तो ये डिक्रीज होता जाएगा अच्छा ब्रेन की अगर हम बात करें तो आज की डेट में अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा वेट किसके पास होता है ब्रेन का तो आप लिखेंगे वेल के पास जो वेल मछली होती है उसके पास देखिए मानव शरीर या जितने भी मेम्बर्स हैं उसको पहले ये लर्न कर लीजिए अच्छा पहले एक कॉन्सेप्ट समझिए फिर आंसर ये पढ़िएगा हमारा ब्रेन जो है वो हमारी बॉडी का कितना परसेंट हिस्सा होता है जैसे मैं बोलूँ आपसे कि हमारा जो ब्लड है वो हमारे बॉडी का कितना परसेंटेज बनाता है आपके शरीर में आपका ब्लड आपका कितना परसेंट बॉडी वेट बनाता है सात से आठ परसेंट लिखते हैं कि हमारा जो ब्लड है वो सात से आठ परसेंट हमारा बॉडी वेट बनाता है टोटल ये जो छह लीटर खून है वो कितना है सात से आठ परसेंट मैं आपसे पूछूं आपके जो मसल्स हैं खाली जो मसल्स हैं मस्कुलर ऑर्गन्स हैं जो आपके बॉडी के अंदर जैसे हार्ट हुआ ये सारे मस्कुलर ऑर्गन है साथ में ये जो आपकी मसल्स हैं बाइसेप्स ट्राइसेप्स ये कितना बनाती है ये चालीस आपके बॉडी का वेट बनाती है, है ना ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि ब्रेन जो है ना ये कितना परसेंट आपके बॉडी का वेट बनाता है मस्तिष्क कितना परसेंट बॉडी का वेट बनाता है तो आप बताएंगे कि मात्र दो कितना मात्र कितना तो उसी के हिसाब से हमने 1350 सीसी लिख दिया अभी धीरे धीरे ना लोगों का हाइट भी छोटा होता जा रहा है तो ब्रेन का बॉडी का वेट भी छोटा होगा ब्रेन का वेट भी छोटा होगा टू परसेंट लिखते हैं अब कोई भी ब्रेन होगा वो टू परसेंट ही होगा अब वेल का साइज आप देखो आपको लगता है डॉल्फिन वेल ये तो पांच पांच सौ हाथियों के बराबर होती है एक एक डॉल्फिन है ना तो डॉल्फिन जितनी बड़ी होगी साइज में उसका ब्रेन का जो वेट है वो भी इतना ही बड़ा होगा जैसे लेट स्टार्ट विद दी चिमपेन है ना चिंपेंजी का ब्रेन वेट कितना होता है 450 ह्यूमंस का 1350 सो बॉटल नोज डॉल्फिन का होता है 1600 ग्राम या सीसी 1600 सीसी अफ्रीकन एलिफेंट अब देखो एक अफ्रीकन एलिफेंट इस धरती का सबसे भारी जीव बोला जाता है अगर हम लैंड की बात करें खाली थल की बात करें जल की बात ना करें तो थल पे अफ्रीकन एलिफेंट सबसे भारी होता है और उसकी बॉडी का टू वेट के हिसाब से छ हजार उसका वेट हो गया अब यही देखो स्पर्म वेल जो होती है ये दुनिया की सबसे बड़ी अच्छा इससे भी बड़ी येलो सल्फर वेल भी होती है स्पर्म वेल से बड़ी ना येलो सल्फर वेल भी होती है ठीक है तो एक स्पर्म वेल का जो वजन है ब्रेन का वो कितना होता है 9200 9200 सीसी सीसी तो आप सोचो 9, हम अपने दिमाग में जो हमारे पास 1400 सीसी दिमाग है उसका हम 0.4 इस्तेमाल करते हैं तब हम इतना चालाक बनने की कोशिश करते हैं तो ये देखो डॉल्फिन 9200 रख के कितना ही चालाक बन... देखो हम अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं खाली 0.4 परसेंट है ना और चलाक ऐसे बनेंगे जैसे भगवान हम ही हो रहे हैं हम सिर्फ अपने ब्रेन का कितना परसेंट इस्तेमाल करते हैं आपको पता है ना कितना इस्तेमाल करते हैं 0.4 परसेंट इस्तेमाल करते हैं हम अपने ब्रेन का ना एक परसेंट भी इस्तेमाल नहीं करते पता है ना ये खाली यहाँ रख के घूम रहे हैं यहाँ पे वजन लेके है खाली एक परसेंट राइट एक परसेंट जनरली इंसेक्ट रिस्पायर थ्रू बताइए सामान्यतः तरीके से जो कीड़े होते हैं ना वो सांस कैसे लेते हैं आपके पास ये मच्छर घूम रहा होगा या कोई कॉकरोच घूम रहा होगा तो बताओ यहाँ पे कि कैसे सांस ले रहा होगा जनरली 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 जो है ना वो इंसेक्ट्स जो हैं वो क्या रहते हैं जनरली इंसेक्ट्स का जो रेस्पिरेशन है यानी कि श्वसन है वो कैसे करते हैं उनके पास स्किल स्किन से ज्यादातर कौन करता है जैसे ये ये हो गया फ्रॉग वगैरह गिल से मछली वगैरह करती हैं लंग से अपन लोग करते हैं इंसेक्ट्स के लिए आपको क्या याद रखना है इंसेक्ट जो है वो स्पाइरेकल से करते हैं ठीक है स्पाइरेकल्स करके याद रखिए अब देखो यहाँ पे एक बार किसी इंसेक्ट को अगर डिटेल में अपन देखेंगे तो उसमें क्या क्या दिखता है इंटरनली देख रहे हैं यहाँ पे तो ये रहे इसके स्पाइरेकल्स ठीक है ये 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 जो आपको ब्लू कलर का डायग्राम दिख रहा है ये इसके स्पाइरिकल्स है रेड वाले देखो ये हार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहे अब देखो इतना लंबा कोई हार्ट थोड़ी होता है ये क्या है इसकी ब्लड वैसा ली है सिंगल जो कि पार्ट्स में डिवाइडेड है तो उसी को ही ना हम हार्ट बोल देते हैं लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आप इसको क्या बोलोगे जैसे गैंगलिया हम ब्रेन के लिए इस्तेमाल करेंगे हार्ट के लिए हम क्या बोलेंगे कि भाई सिंपल ये क्या है सिंपल ये ब्लड वेसल है एक राइट right? और वो भी कीड़ों में ब्लड वेसल्स कैसी होनी चाहिए होनी चाहिए खुली यानी कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम तो वहां पे प्रॉपर ब्लड वेसल्स भी नहीं होती है सिर्फ ब्लड को ट्रांसफ्यूज करने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है तो पहले हो गया ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम फिर रेस्पिरेटरी ये हो गया इनका खाने का सिस्टम और लास्ट वाला हो गया इनका नर्वस सिस्टम तो ये चार सिस्टम इनके बॉडी में ऐसे अरेन्ज है तो ये कीड़े का आप याद रखिएगा यहाँ मैक्सिमम पे स्पाइरिकल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं विच ऑफ दी फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ आइडियल ब्लैक बॉडी निम्न में से आदर्श अच्छा आइडियल का मतलब क्या हो गया आपको फिजिक्स के लॉ के हिसाब से कि एक ब्लैक बॉडी होती है वो सारी चीजों को क्या करेगी एब्सॉर्ब कर लेगी है ना रिफ्लेक्ट नहीं करेगी तभी कहते हैं ना गर्मियों में काला कपड़ा ज्यादा नहीं पहनने को होना चाहिए यहाँ पे तो क्या बोलते हैं कि ऐसी ऐसी ब्लैक बॉडी या ऐसी बॉडी इन तीन में से इन तीन में से एक चीज बता दीजिए जो सारी चीजों को एब्जॉर्ब कर लेगी बताइए पिन होल बॉक्स देखे पिन होल बॉक्स क्या होता है जैसे एक ब्लैक बॉक्स है ठीक है उसमें एक छोटा सा पिन के बराबर ना छेद है तो जितना भी रे ऑफ लाइट उसके अंदर से जाएगी सारी रे ऑफ लाइट को वो क्या करता जाएगा एब्जॉर्ब करता जाएगा तो ये ना जो एब्जॉर्ब का जो रूल है उसको फॉलो करेगा इसीलिए इसको परफेक्ट ब्लैक बॉडी के नाम से जानते हैं अच्छा ये बताइए अगर हम बताएं कि हम विच फॉलोइंग इज डिहाइड्रेटेड मान लीजिए कि ये सारे ऑप्शन एल्काइन एलके, और एल्कीन के हैं तो अगर अपने पास किसी अच्छा बस 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 हो गया हो गया हो गया हो गया आ गया देखो आ गया एक बार आपकी ये नेट का जो झंझट था ना वो सारा खत्म कर दिया है आज के बाद इस क्लास में और नौ बजे की क्लास में कभी भी नेट का कोई टेंशन नहीं होगा बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं होगा अगर हुआ भी तो विद इन स... अ विद इन अ मिनट आपके पास वापस आ जाएगा चलिए अभी बताइए यहाँ पे जल्दी 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 एक बार अभी आ रहा है सही यहाँ पे आपकी इस क्लास का ना नेट का जो आपका टेंशन था ना ये खत्म कल बजे वाली क्लास ना इसीलिए भी नहीं हुई थी क्योंकि कल पूरा दिन नेट के दो तीन कनेक्शन लगवाए हैं अब सारा चीजें एकदम फटाफट अब यहां से ना नेट का कभी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा इन केस हुआ तो एक मिनट के अंदर ये चीजें वापिस आएंगी ठीक है आपके पास वापिस आएंगी चलिए क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे है और उसको बता दीजिए कि अगर यहां से हमने ओ एच को माइनस कर दिया या एल्कोहल को हमने माइनस कर दिया यहां से तो आपके पास जो बनेगा वो क्या बनेगा अच्छा अल्टीहाइट कैसे बनेगा कई लोग अल्टीहाइट बोल रहे हैं तो अल्टीहाइट नहीं हमने इसको अच्छा आप बताओ निर्जलित अच्छा ये पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है ऐसे कैसे नहीं दिख रहा है अभी बताओ देखो आप दिखेगा यहाँ पे ना अब बोर्ड के साइड की दीवार भी दिखेगी देख चलो बताओ ंगज फाउंड एल्कोहॉल इज डिहाइड्रेटेड आर डिड आप आंसर क्यों कर रहे हो अब जरा मुझे बताना ये जो है ना ये अपन ने क्या लिख दिया यहाँ पे जभी भी ऐसा कुछ लिखते हैं ना आप अलडीहाइड कैसे बता रहे हो अलडीहाइट में तो सी एच ओ एड करना पड़ेगा अल्डीहाइड क्या होता है सीओ एच या सी एच ओ करके लिखते हैं इसको अल्डीहाइट को तो अल्डीहाइट में अपन कोई कार्बन थोड़ी ऐड कर रहे हैं अपन ओ OH एच निकाल रहे और एल्कोहल कभी निकलेगा नहीं यहाँ पे है ना एल्कोहल कभी निकलेगा नहीं सीधा निकलेगा वाटर एच टू ओ आप बताओ कभी भी खाली एल्कोहल थोड़ा ना आप डिहाइड्रेट करोगे आप डिहाइड्रेट करोगे सीधा वॉटर यानी कि एच टू ओ तो यहाँ पे जो आपके पास बचेगा आप ये जानिए कि एक ओ एच और एक एच यानी कि माइनस एच टू होगा इन केसेस में हमेशा ध्यान रखो आपको पानी पूरा बाहर डिहाइड्रेशन क्या होता है एल्कोहल इज डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन किस चीज की कभी अल्कोहल की कमी होती है क्या शरीर में डॉक्टर ये बोलते हैं कि आपके शरीर में अल्कोहल की कमी है वही है जाके अल्कोहल पी लो ऐसा तो नहीं बोलते हैं ना आपको डिहाइड्रेशन का मतलब क्या पानी मैं आपको बोलूं कि आपके शरीर में डिहाइड्रेशन हो रही है या मेरे शरीर में डिहाइड्रेशन है तो इसका सीधा मतलब है कि पानी की कमी हो रही है तो माइनस एच टू ओ कर दीजिए और यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा डबल बॉन्ड के साथ कार्बन यानी कि बनेगा एल्कीन अब समझे ना यहाँ पे बस ये कॉन्सेप्ट याद रखो भाई सीधा आंसर रट के थोड़ा ना जाना है समझना है जब भी एल्कोहल आर्डिहाइड सीओ एच ये डिहाइड्रेट होने के लिए, लिए लिखा है तो समझ जाइए कि आपको उस चीज में से पानी को बाहर निकालना है पानी को बाहर करने के लिए आपको जो ये लगा हुआ है आर ग्रुप जो इसमें लगा हुआ है उसको वाई माइनस करना पड़ेगा तो यहाँ पे अब बन जाएगा एल्कीन बराबर है चलिए केमिस्ट्री की क्लास बहुत जल्दी शुरू करें अगले हफ्ते से तब आपका अच्छा इस मंडे से शुरू कर देंगे ठीक है इस मंडे से मतलब अगले मंडे के बाद से कभी भी मैं आपको केमिस्ट्री के सिर्फ एक महीना खाली एक महीना आपको मुझे केमिस्ट्री के लिए देना है आपकी केमिस्ट्री जिंदगी भर के लिए ऐसी सॉलिड हो जाएगी ना कि कभी ना लिक्विड होगी ना गैस होगी समझे यहाँ पे इस क्लास को जल्दी से मैं कंप्लीट करा दूंगी एक महीने के अंदर अब देखो ये वही इक्वेशन है पानी निकाल दिया अपन ने तो एच जो है वो निकल जाएगा और एल्केन बन जाएगा ये बताइए एक हीटर कॉयल से खाना पकाने वाले बर्तन में गर्मी ऊष्मा ऊर्जा का स्थानांतरण प्रक्रिया जो होती है वो क्या होती है यानी कि ट्रांसफर ऑफ द हीट फ्रॉम अ हीटर कॉइल टू द कुकिंग वेसल ये वाला ही कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके कि किस फॉर्म से किस फॉर्म में हीट जाती है तो उसको क्या बोला जाता है कन्वेक्शन कंडक्शन रेडिएशन ये सारा चीजें इसको आ, क्लास में ना डिटेल में कर लेते हैं ना ये वाला ये बताओ ट्रांसफर ऑफ़ हीट फ्रॉम दी फ्रॉम अ हीटर कॉइल टू दी कुकिंग जैसे आपने खाना पका रहे हैं है ना अब खाना पकाने के लिए आपने क्या किया कि एक हीटर के ऊपर वो होता है ना एक छोटा सा गोल हीटर आता है ऐसे करके उस पर बर्तन रख देते हैं और खाना पक जाता है तो बेसिकली वो कौन सा प्रोसेस होता है अच्छा इसमें एक बात बताओ मुझे कंडक्शन होगा क्या जो लोग जो है ना एक महीना तो मैं मैक्सिमम टाइम ले रही हूँ जब अपन एक मेगा टेस्ट भी कर लेंगे सब कुछ कर लेंगे तब मैं एक महीने का टाइम बोल रही हूँ तो इतना तो टाइम दे दो भाई केमिस्ट्री है एमएससी पूरा मैंने केमिस्ट्री पढ़ी है तीन साल मैंने केमिस्ट्री पढ़ी है इलेवन ट्वेल्थ में बच्चे दो दो साल पढ़ते हैं आपको उस लेवल पे तो जाना पड़ेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में टाइम लगता है ठीक है देखिए अगर हम अपन डिफाइन करें कि मटेरियल से लेके सब्सटेंस पे या टेम्परेचर डिफरेंस अगर किसी चीज में होता है तो अपन उसको कंडक्शन के नाम से जानते हैं तो आप याद रखिए कि जब भी हमने यहाँ पे क्वेश्चन में ऑप्शन में आपको क्या दिया है हमने एक हीटर के ऊपर रखे हुए बर्तन पे है तो कंडक्शन नहीं लिखते हैं इसमें आंसर जो होगा ना वो रेडिएशन और कन्वेक्शन कन्वेक्शन होगा ठीक है रेडिएशन और कन्वेक्शन यानी कि केवल विकरण और संवहन केवल विकरण और संवहन रेडिएशन एंड कन्वेंशन कन्वेक्शन करके आप लोग को लर्न करना है विच ऑफ इसको मैं चारों फॉर्मूले को चारों चीजों को ना एक बार अपन डिटेल में पढ़ लेंगे जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो हीट एंड थर्मोडाइनमिक का जो चैप्टर होगा ना उसमें ही पूरा पार्ट कर लेंगे ठीक है Which law of thermodynamics ऑफ the uh, concept of the entropy? Entropy जो है वो कहाँ से है YouTube पे ही कराऊंगी मैं chemistry की theory आपको YouTube पे ही कराऊंगी that's my promise. लेकिन test के लिए अपन जो है वही medium इस्तेमाल करेंगे क्योंकि और इसकी बात ना end में करेंगे या Monday को करेंगे Sunday को marathon class है ना उसके पीछे से मैं आपको बता दूँगी कि chemistry की class कब होने वाली है बराबर है अभी देखिए पढ़िए पहले ऊष्मा ये ऊष्म प्रवेगिकी यानी कि थर्मोडाइनमिक्स में कौन सा लॉ जो है ना वो हमको एंट्रोपी बताता है एंट्रोपी डेल्टा जी इज इक्वल टू ये फॉर्मूला पता है ना डेल्टा जी इज इक्वल टू तो डेल्टा एच ये टी डेल्टा एस करके अपन जो लिखते हैं इसमें कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती है डेल्टा जी डेल्टा एच टी डेल्टा एस है ना ये तीन चीजें इन्वॉल्व होती है और एंट्रोपी का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से आया है सेकंड लॉ ऑफ थर्मो डायनेमिक्स है ठीक है गैस विच केनॉट बी कलेक्टेड ओवर दी वॉटर एक गैस जिसे पानी के ऊपर से एकत्र नहीं किया जा सकता अच्छा ये क्वेश्चन तो मैंने आपको अन अकेडमी में भी कराया था चलिए विच लॉ ऑफ दर्मोडाइनेमिक्स इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी तो यहाँ पे आपको SO2 करके याद रखना है सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है उसको आप पानी के ऊपर से कलेक्ट नहीं कर सकते हो जबकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन और PH3 को कलेक्ट किया जा सकता है द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट अमंग द फॉलोइंग निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक जो होता है वो क्या होता है बताइए द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग द फॉलोइंग एल्कोहल मरकरी इथर या सबसे अच्छा उष्मा का जो चालक होता है, है? एसओ टू हो गया नेगेटिव पहले सोच लो यहाँ पे पॉजिटिव भी तो सोचा जा सकता है ना चीजों को लेके कोरोना नहीं आया तो ऐसे भी तो सोचा जा सकता है ना या आया भी तो इतना सक्षम है अभी हमारी सरकारें और इतनी सक्षम हो गई हैं अपने आप को आदमी कोरोना तैयार कर रहे हैं तो हम भी तो अपने को तैयार कर रहे हैं ना वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं कोरोना का थर्ड वेव आया तो आप मेरी बात ये मान के चलिए आप में से कोई भी पढ़ाई छोड़ने के मूड में है ना कि थर्ड वेव कोरोना आने वाला है तो अरे पेपर फिर से लेट मी टेल यू इस बार कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैक्सीनेटेड हो रहे हैं सारे कल का दिन आपको पता है ना पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में एक दिन में जितनी वैक्सीनेशन हुई होगी इंडिया में कल कल के दिन में 88 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन हुई है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है तो अपने और आपसे एग्जाम लिया जाएगा तो एग्जाम अब इसके आगे डिले नहीं होगा अगस्त के आगे एंड बी पॉजिटिव टू दीज थिंग्स इन चीजों के लिए कभी ना नेगेटिव नहीं सोचा करिए एच डी ठीक है और एटी मेरी क्लास में ना नेगेटिव होने का कतई कोई जरूरत नहीं है बी पॉजिटिव इन योर क्लास और अकॉर्डिंग टू योर फ्यूचर को लेके तो कभी भी नेगेटिविटी नहीं शो करनी है इनमें से कौन सा मेटेलॉइड नहीं है बता दीजिए जर्मेनियम सिलिकॉन अल्युमिनियम या टेल्यूरियम इनमें से कौन सा मेटेलॉइड नहीं है मेटेलॉइड अगर आपसे पूछा जाए तो संवर्थ सेमी कंडक्टर भी आपसे पूछ रहे ये भी याद रखिए मेटेलॉइड या सेमी कंडक्टर को अर्ध धातु बोला जाता है क्या बोला जाता है अर्ध धातु अर्ध धातु का मतलब क्या हुआ ना तो ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देंगे और ना ही अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर आने देंगे यहाँ पे तो जब भी आपसे अर्ध धातु पूछे जाते हैं तो अर्ध धातु आपको याद रखना है जर्मेनियम सिलिकॉन टेल्यूरियम एल्यूमिनियम एटोमिक नंबर थर्टीन के साथ जो है प्योर मेटल बोला जाता है प्योर मेटल और प्लस थ्री जो होती है वो इसकी बैलेंसी होती है यहाँ पे एक बार देखिए कलरफुल एकदम स्ट्रक्चर यहाँ पे ये आपको जो पर्पल रंग में दिखाई दे रहे हैं ये वाले बोरॉन सबसे पहला मेटलॉइड होता है उसके बाद सिलिकॉन हो गया जर्मेनियम 32 नंबर आर्सेनिक 33 नंबर एंटीमनी फिफ्टी वन नंबर जिसको सूरमा बोलते हैं फिफ्टी टू नंबर पे टेल्यूरियम हो गया यहाँ पे और नंबर पे हो गया में में मानते आप साइंटिस्ट जो, जो है वो क्या करने वाले है? कि जब भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में इनमें से एक ही दिया हुआ दोनों एक साथ नहीं दिए होते हैं आपसे पूछेंगे ना कि लास्ट मेटेलॉइड कौन सा है पीरियोडिक टेबल में पहला पूछेंगे

एलोमिनियम नहीं है बाकी तीनों हैं और बाकी पूरे साथ याद रखे मेटल कंसिस्ट ऑफ डैश परसेंटेज ऑफ दी एलिमेंट देखिए पूरे 118 एलिमेंट्स में से मेटल्स की संख्या जो होती है वो होती है 91 वन तो ये नाइनटी वन परसेंट नाइनटी वन जो है वो कितना बना रहे होंगे ये बताइए कितना परसेंटेज बना रहे होंगे तो अठहत्तर परसेंट याद रखना है पूरी पीरियोडिक टेबल में सेवेंटी एट परसेंट जो है वो हमारे मेटल होते हैं द टेम्परेचर का मतलब होता है किसी भी चीज का जब आप तापमान जो है ना वो नाप रहे हो खासकर जब हम किसी पदार्थ की अवस्था की बात करते हैं कि सॉलिड लिक्विड गैसेस जो बोला जाता है उनमें से अगर आपने किसी पदार्थ को नापने की कोशिश की तो गैसेज की हम नापें या किसी भी चीज की जैसे नापे तो बेसिकली हम क्या नाप रहे हैं? हम उनके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी नाप रहे हैं, यानी कि जो उनके अणु हैं जिससे वो बने हुए हैं मॉलिक्यूल्स जो होते हैं अणु उन अणुओं की जो गति है उनकी एनर्जी को नापा जा रहा है तो आपको समझ जाइए कि जब भी आपसे सॉलिड लिक्विड गैसेस के बारे में टेम्परेचर के मेजरमेंट की बात की है तो वो आपसे क्या बोल रहे हैं कि आप इन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बताइए और एनर्जी किस पे निर्भर करेगी उनकी गति पे की करेगी और गैसेस में मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो होगी वो ज्यादा फास्ट होगी क्योंकि उनकी मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो सॉलिड और लिक्विड से ज्यादा होती है इसीलिए अपन पायरोमीटर नाम का जो थर्मामीटर है या पायरोमीटर जो है उसको इस्तेमाल करते हैं ठीक है, है? पायरोमीटर इसमें बड़ा डंबना आती है कि सबसे पहला ऑप्शन गैस थर्मामीटर अरे यही तो पूछा है हो गया आंसर नहीं जी गैस थर्मामीटर के लिए पायरोमीटर हाइड्रोजन हीलियम सूरज आ, 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 सूरज वगैरह को का टेम्परेचर नापने के लिए हम पायरो हेलियोमीटर को इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे ही करके याद रखिए पायरोमीटर जो है ना उसको इस्तेमाल किया जाता है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिव ओरस प्लांट बताइए इनमें से कौन सा कीट भक्षी पौधा है कीट भक्षी पौधे का मतलब क्या हुआ जो कीड़े खा जाए ऐसा पौधा जो कीड़े खा जाता है और वो कीड़े क्यों खाता है क्योंकि अंदर ना ना नाइट्रोजन, ना, नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में उगा हुआ है तो इसलिए वो क्या करेगा कि वो कीड़े खा लेगा ताकि जो है ना वो नाइट्रोजन उसको मिल जाए तो ये जैसे पिचर प्लांट है ये पैशन पैशन फ्लावर प्लांट पिचर प्लांट नाइट क्वीन फ्लेम ऑफ़ फॉरेस्ट ये दो तो ऐसे लग रहे हैं ना किसी होटल होटल में जाते हैं बड़े होटल में तो वहां के डेजर्ट ऐसे ही होते हैं अजीब अजीब से ना मतलब ऐसे नामों के ये पैशन फ्लावर प्लांट प्लांट नाइट क्वीन फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट क्या नाम है ना यहाँ नाइट क्वीन करके ये सॉरी पिक्चर प्लांट करके याद रखिये पिचर प्लांट ये क्या करता है जैसे आपको ये डायग्राम भी पिक्चर प्लांट का है तो ये कीड़ा जैसे इसके अंदर गया ना तो ऊपर से चलाकी से जैसे ही कीड़ा गया प्लांट देख रहा है कि कब कीड़ा आएगा जैसे कीड़ा आया इस फ्लैप को नीचे करेगा कीड़ा यहाँ जाके ना मर जाएगा तो 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 करके याद रखिए हाउ मेनी बोन्स प्रेजेंट इन अब मेरे ख्याल कोई कोई हड्डियों की संख्या ज्ञात करने में कोई दिक्कत इनको जानते हैं और इनकस, ठीक है? ये तीन हड्डियां होती हैं जिनको हम हैमर, और ये येमर एनविल और स्टाइरअप के नाम से जानते हैं तो आपके पास तीन हड्डियां लिखनी है एक कान में पूछा है ना एक कान में तो तीन हड्डियां होगी ये रही ये होती है आपकी तीनों हड्डियां एक साथ जुड़ी हुई ना ये तो ये रहा इनकस मेलियस और ये रही स्टेपिस। स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी होती है हमारे पूरे शरीर की अब फैट ऑन हाइड्रोलाइसिस वुड यील्ड इनटू अगर मान लीजिए कि वसा को हमने क्या कर दिया हाइड्रोलाइसिस कर दिया यानी कि, कि किसी वसा को हमने तोड़ दिया है ना तो उसमें से बेसिकली बताओ क्या निकलेगा फैट में से अगर हमने फैट जो है वो तोड़ा तो हमारे पास क्या जो है ना वो बचने वाला ये बताइए अ फैट ऑन डिहाइड्रोलिसिस या फैट ऑन सॉरी हाइड्रोलिसिस फैट ऑन हाइड्रोलाइसिस

हाइड्रो मतलब है उसके जो बॉन्ड्स हैं वाटर वाले जो बॉन्ड्स हैं और उसके H+ वाले जो बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ा जा रहा है सिंपल और फैट को तोड़ने पे क्या बनेगा ग्लिसरॉल और सोप यानी कि साबुन प्रोसेस हो गया सोपेनिफिकेशन करके द मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12 ठीक है कंटेंस हाउ मेनी आइसोमेरिक एल्केन्स यानी कि इस फॉर्मूले में से आप कितने एल्केन्स जो है ना उनके आइसोमर्स होते हैं जब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है वो सेम होता है लेकिन आप उसको अलग-अलग तरीके से लिख सकते हो ठीक है C5H12 एक फॉर्मूला है लेकिन उसको आप अलग-अलग तरीके से लिख सकते हो देखो एक तो होता है इसमें n पेंटेन बना देते हैं एक इथाइल प्रोपेन एक मिथाइल ब्यूटेन ऐसे-ऐसे करके ना आप उसमें जब r फॉर्म्स को अटैच करोगे तो आपके पास कितने आइसोमर्स पूछ के पूछे जाएंगे तीन तो इसका ना निकालने का एक मेथड होता है कैसे आइसोमर्स निकालने है ना इसका एक प्रोसेस होता है तो वो अपन किसमें करेंगे केमिस्ट्री केमिस्ट्री अच्छा मुझे लगता है बायोफिजिक्स से ज्यादा ना अपने पास केमिस्ट्री का कंटेंट है कि केमिस्ट्री में अपने को बहुत कुछ पढ़ना है तो मैं पहली क्लास आपकी ना ये ये ऑक्सीडेशन नंबर या बिल्कुल शुरू से ही शुरू करेंगे एकदम बंदाश्त आपकी ना केमिस्ट्री करवाएंगे बिल्कुल ऑर्गेनिक मतलब उसके बाद ये समझ लो उस क्लास के बाद ना आपको साबुन बनाना आना लग रहा होगा सुपेनिफिकेशन आ गई है घर में बोलना अभी हमको सुपेनिफिकेशन आ गई है बाहर से साबुन खरीदने की जरूरत नहीं है हम घर में साबुन बनाएंगे ठीक है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो होते हैं वो होता है कि अगर आपने आपके पास एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है ठीक है आप उसको कितने अलग अलग तरीके से ना रिप्रेजेंट कर सकते हो या उसको कितने अलग अलग तरीके से ना आप लिख सकते हो बेसिकली ये चीज है तो देखो एन पेंटेन के फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है क्योंकि पेंटेन तो हमारे पास है ही उसके अलावा इसी चीज को आप एक एक मिथाइल एक जो आपका एक मिथेन है उसको आप नीचे लेके आ सकते हो तो टू मिथाइल ब्यूटेन बन जाएगा है ना चार आप एक 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 को क्या गया? एक आपने मिथाइल ऊपर लिखा था एक मिथेन जो है वो नीचे लिख दीजिए है ना तो हमने क्या कर दिया हमने अब उसको चारों बॉन्ड्स में बीच में एक कार्बन लगा दिया ऐसे करके और बाकी चार जो कार्बन है वो पांच है ना कार्बन टोटल आपके पास तो एक बीच में लगा दिया एक चार उसके आसपास लगा दिए तो हम एक ही फॉर्मूले को जो हमें दिया हुआ है हम उसको कितने तरीके से लिख सकते हैं ये होता है हमारे पास आइसोमर यानी एक है ना या कार्बन की जो बॉन्ड्स है उसको पूरा करना है बस हमारे पास तीन आइसोम वो बन तैयार हो जाते हैं इससे ज्यादा नहीं बना सकते हो ये याद रखना इससे ज्यादा नहीं बना पाओगे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाई बाय अ प्रिज्म सच दैट द एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम देन क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर एक रे ऑफ लाइट है ठीक है प्रिज्म से पास हुई ध्यान से पढ़ना प्रिज्म से पास हुई तो पहले उसका फर्स्ट रिफ्रेक्शन होता है फिर उसके बाद उसका सेकंड रिफ्रेक्शन होता है लेकिन बेसिकली अगर ये लाइट जो है वो ऐसे सीधी पास हुई होती है ना और ये एंगल यहाँ पे बना तो ये अपना एंगल ऑफ डेविएशन बोला जाता है ना जिसमें हम बोलते हैं ना कि लाल की डेविएशन जो है वो कम होती है लेकिन नीले रंग की जो डेविएशन होती है वो बहुत ज्यादा होती है ना लाल की और नीले की डेविएशन तो आपको सिर्फ ये बताना है कि एंगल ऑफ डेविएशन अगर मिनिमम वाला है यानी कि लाल का है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है एंगल ऑफ इमर्जेंस तो इनके एंगल में कौन सा एंगल आपको बड़ा होगा अगर हम नॉर्मल लाइन खींच दे ये मैंने नॉर्मल लाइन खींच दी ये यहाँ पे नॉर्मल लाइन खींच दी आप बताइए नॉर्मल लाइन के पैरेलल में किसका डेविएशन या किसका एंगल जो है वो ज्यादा होगा क्वेश्चन समझ बैठा है यहां पे क्वेश्चन अब आप ध्यान से अगर देखोगे ना तो आपको इसका आंसर इसी बोर्ड पे मिल गया है इस डायग्राम से मिल गया है लेकिन कितने लोग ध्यान से देखे ये नहीं पता ध्यान से देखना है ये एंगल है ये प्रिज्म है यही एमर एंगल ऑफ इंसिडेंस है रिफ्रेक्श किया ये गया और ये नॉर्मल के साथ बना ये इसके साथ बना ये नॉर्मल के साथ यहाँ बनाया ये नॉर्मल के साथ हमने यहाँ बनाया तो ये जो एंगल बनेगा नॉर्मल के साथ ये एंगल बनेगा ये ज्यादा होगा कम होगा क्या रहेगा क्या बात है यहाँ पे एंगल ऑफ इमरजेंस यानी कि जो आ, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपदन का जो कोण बोलते हैं वो हमेशा निर्गत के कोण के बराबर होता है और ये बात हमेशा याद रखिएगा इसके ऊपर ना आपको न्यूमेरिकल भी दिया जाता है कि बेसिकली ये एंगल इतना है तो एंगल ऑफ एमरजेंस कितना होगा तो आप वहां माइनस माइनस करने लगते हो लेकिन अगर ये फोर्टी है तो ये भी आंसर आपका फोर्टी ही होगा दैट इज इज एंगल एंगल ऑफ ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू ये याद रखिए प्लेन मिरर आप पढ़ते हो तो उसी तरीके से करके लर्न करना है बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा लाइन स्पेक्ट्रम इंफॉर्मेशन अबाउट आप स्पेक्ट्रम अपन पढ़ते हैं यहाँ पे तो लाइन स्पेक्ट्रम जो होता है बालमर सीरीज और पी फंड सीरीज ये पढ़ते हैं ना बालमर पी फंड ये सीरीज जो अपन पढ़ते हैं उनको

किस पे निर्भर करती है द एनर्जी एसोसिएटेड विद लाइट डिपेंड्स ऑन तो अगर एक रे ऑफ लाइट जो है ना वो पास कर रही है, हम प्रकाश की जो किरण होती है उसको क्या बोलते हैं मतलब प्रकाश की जो लाइन होती है जिसके थ्रू प्रकाश पास करता है उसको हम रे या किरण के नाम से जानते हैं किरण है ना आप बताओ कि जो ये होगा रे ऑफ लाइट होगा वो किसके ऊपर बेसिकली डिपेंड करती है इस रे में इस करण में जो एनर्जी होगी वो बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करेगी उसकी स्पीड के ऊपर मीडियम जिससे वो पास कर रही है या फ्रीक्वेंसी के ऊपर बताइए ध्यान से देखना देखो अपन बोलते हैं कि लाल लाइट में एनर्जी ज्यादा है नीली लाइट में एनर्जी इतनी नहीं है ब्लू लाइट में एनर्जी ज्यादा है मतलब वायलेट में इतनी नहीं है अपन बोलते हैं ना ये सारी चीजें और विप के हिसाब से हम अपनी लाइट को क्या करते हैं विप ग्योर, ग्योर है ना विग्योर के हिसाब से हम फ्रीक्वेंसी बताने लगते हैं अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि लाइट की जो एनर्जी या इंटेंसिटी होती है ना या लाइट का जो ऊर्जा होता है उसकी जो एनर्जी होती है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है वो हमेशा उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है तभी तो हम बोलते हैं कि कितने की जो लाइट है वो फोटोसिंथिस करा सकती है क्योंकि टोटली डिपेंड्स ऑन दी एनर्जी कि भाई एनर्जी उसमें कितनी है तो एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए या तो आपको उसकी वेवलेंथ पता होना चाहिए या आपको फ्रीक्वेंसी पता होना चाहिए एक चीज तो पता होना चाहिए ना और इस क्वेश्चन में ना आपको फ्रीक्वेंसी करके लिखा है तो यहाँ पे सी करके याद रखिए होगी तो हम किसी भी रे ऑफ लाइट की जो एनर्जी है वो निकाल सकते हैं तो इट्स फ्रीक्वेंसी करके लर्न करिए द टेक्निक यूज टू ट्रांसमिट ऑडियो ऑडियो सिग्नल इन टीवी टेलीविजन ब्रॉडकास्ट अच्छा ये बताइए जो हमारी टीवी अपनी चल रही है उसमें जो हमारी उनकी जो आवाज आ रही है ना ऑडियो सिग्नल्स जो आ रहे हैं वो कैसे आते हैं एम्पलीट्यूड डी डी एन मॉड्यूलेशन से फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन से पल्स कोड मॉड्यूलेशन से तो हमारे पास जो टीवी के अंदर जो सिग्नल्स आ रहे हैं ऑडियो सिग्नल्स जो आ रहे हैं वो किसकी वजह से आते हैं देखिए मैंने आपको बोला था जब भी आप रेडियो पढ़ते हो तो रेडियो में एफ एम होता है और ए काम कर रहा होता है जब आप टीवी बोलते हो तो टीवी में एफ काम कर रहा होता है और ये रेडियो में ए एम काम कर रहा होता है और एफ एम जो है वो बंद होता है टीवी में मतलब इट्स नॉट एक्चुअली अफेक्टिंग और uh, जो टीवी होती है उसमें क्या कर रहा होता है उसमें एफएम काम कर रहा होता है और एम बंद होता है तो जब भी आपसे टीवी सिग्नल्स की बात की जाएगी ऑडियो सिग्नल्स की बात की जाएगी हमेशा आंसर आपको क्या करना है फ्रीक्वेंसी मॉड्युलेशन लिखना है क्या लिखना है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करके लिखना है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यानी कि एफ एम आवर्त मॉड्यूलेशन की बात करते हैं इस क्वेश्चन में देखिए जब रेडियो पूछते हैं तो एम्पलीट्यूड लिखा जाता है ये क्वेश्चन हमेशा उल्टा होता है आप रेडियो समझ के क्या करते हो अरे रेडियो तो एफ एम आता है 93 और ये सारा जबकि उसमें जो कॉन्स्टेंट है वो एफ एम है यहाँ पे और वर्किंग ए एम है टीवी में उल्टा होता है टीवी में है है और वर्किंग तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं इसलिए कई बार ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं लेकिन आप लोग याद रखिये एफ एम जो है फ्रीक्वेंसी लिखिए ऑफ दी फॉलोइंग इज रॉन्गली मॉड्युलच्ड इनमें से फॉर्मुला लिखा है आप बताइए कि कौन सा गलत है सोडियम कार्बोनेट सोडा है ना धावन सोडा जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड जो है वो सामान्य नमक होता है कैल्शियम कार्बोनेट स्लेग लाइम बोला जाता है और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड मैं फॉर्मूले लिख दे रही हूँ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम क्लोराइड NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है ना अब आप बता दीजिए इसमें से कौन सी चीज गलत लिखी हुई है टीवी हाँ, रेडियो ऐसे करके लर्न कर लो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट या कौन सा ना आपकी स्क्रीन पे गलत लिखा है, ये बताने। देखो जरा नहीं याद है ठीक है तो जरा मुझे ये भी तो बताइए साथ में कि गलत कौन सा है तो उसका सही क्या होगा कैल्शियम कार्बोनेट अमरजीत बिल्कुल यहाँ पे देखो सारे सही हैं एक गलत है कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना उसको बोला जाता है लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोला जाता है लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर ठीक है स्लैगड लाइम जो है वो क्या होता है वो होता है अपना स्लैगड लाइम जिसकी प्याज बुझ गई है ऐसे लर्न करो ना स्लैगड लाइम उसको बोलते हैं जिसमें CaO में जब हमने पानी मिला दिया अब ये तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था है ना देखो अब हमने क्या किया CaO है हम इसको बोलते हैं क्विक लाइम है ना इसके अंदर आपने पानी मिला दिया तो ये बन गया है, है ना तब आप इसको बोलोगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अब तीसरा हो गया जब आपने इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास करा दी तो ये बन गया सीए सीओ थ्री तो स्लेट लाइन जो बोलते हैं वो इसको बोलते हैं लेकिन फॉर्मूला जो लिखा है वो इसका लिखा हुआ है तो ये होता है चूना पत्थर ये बुझा हुआ चूना और ये चूना सिंपल चूना तो ये तीन फॉर्मूले आप लर्न करिए कैल्शियम कार्बोनेट uh, जो है वो ये होता है सी ए सीओ थ्री होता है और इसको अपन ने बोला चूना पत्थर ठीक है चूना पत्थर अब ये फॉर्मूले फिर से केमिस्ट्री आ गया है बाप रे बाप केमिस्ट्री कितना ही रहेगा है ना केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा फंगस विच ग्रो ऑन डंक क्या बोलते हैं जो फंगस है वो जहां जहां उगती है ना उसके हिसाब से हमने उसके नाम दे रखे हैं। तो जो फंगस गोबर पे उगती है ना उसको क्या बोलते हैं कॉर्टिकोल बोलते हैं है हाँ ना कॉर्टिकोल्स जो फंगस गोबर पे उगती है उसको क्या बोलते हैं कॉर्टिकोल्स तो काउडंग में पे उगने वाला फंगस क्या बोला जाता है ये होता क्या है ये है मशरूम ठीक है और ये खाने वाला मशरूम नहीं है इसको हम हाइब्रिड करते हैं खाने के लिए या फिर इसको बोलते हैं एस बोल है ना एस्परस ठीक है ये बताइए प्रोटोप्लाज्म ये किस चीज का बना हुआ होता है जो एक सेल है ना उसके अंदर जो लिविंग कंटेंट है वो क्या होता है प्रोटोप्लाज्म जिसको अपन ना जीव द्रव्य के नाम से भी जानते हैं प्रोटोप्लाज्म जिसको जीव द्रव्य बोला जाता है ना हिंदी में प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य बोलते हैं किसने ये कहा था कि भाई ये तो लिविंग

ट्वेंटी वन का डी है जबरदस्ती डी है यहाँ पे कॉटे कॉल्स करके लर्न करना है भाई कहा है डी यहाँ पे जबरदस्ती गोबर पे उगने वाले फंगस को कॉटिकोल्स ही बोला जाता है डी नहीं बोला जाता है ये बताइए फंगस दैट ग्रो ऑन काउ डंक हो गया ना ये नेक्स्ट बताइए द लिविंग कंटेंट जो है वो क्या बोला जाएगा प्रोटोप्लाज्म को और क्या नाम से मतलब प्रोटोप्लाज्म इज कंपोज्ड ऑफ सेल के सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म किस चीज के लिए बोला जाता है भाई सेल साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म और जो बाकी के सेल ऑर्गेन होते हैं उनको मिला के अपन जो है ना वो पूरा प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं तो यहाँ पे ना आंसर बी नहीं लिखिएगा आंसर लिखिएगा डी क्योंकि अदर ऑर्गेन के अंदर का जो फ्लूड होता है ना वो भी लिविंग कंटेंट ही होता है उनमें से कोई मरना शुरू हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी वैसे प्रोटोप्लाज्म जो है वो होता है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म पी इज इक्वल टू सी प्लस एन कोई

और उसके साथ जितने भी उसके इंपॉर्टेंट ऑर्गेन होते हैं ना उनके लिए भी अपन यहाँ पे लिख देते हैं तो बेसिकली वैसे तो यहाँ पे होना चाहिए एंड अदर ऑर्गेन फ्लूड करके लिखेंगे अदरवाइज इतना यहाँ पे बी करके याद रख लीजिए ठीक है नेक्स्ट देखिए विच ऑफ नीदर एसिड नॉर बेस इनमें से कौन सा ऐसा चीज है जो ना अम्ल है या ना क्षार है ना, अम्ल है ना शार है यानी कि क्या होगा होगा न्यूट्रल तो आप बताइए इनमें से कौन सा जो है वो न्यूट्रल है यानी कि उदासीन इनमें से कौन सा सब्सटेंस आपको या कौन सा कंपाउंड जो है ना वो उदासीन लग रहा है ये देख भाई क्लास चल रही है तभी भी कितने बजे क्लास होती है कितने बजे क्लास होती है ये बताओ क्या ए कौन बोल रहे हैं सी एस थ्री सी ओ एच तो मैंने आपको कितनी बार बताया इसमें से तो एच प्लस भाग के बाहर निकलेंगे एच सी एल तो स्ट्रॉन्ग एसिड है ही और एल्कोहल जो होता है वो भी आपका एसिडिक बोला जाता है एल्कोहल एसिडिक होता है अमरजीत एल्कोहल सी एस थ्री ओ एच है इसमें से आपका आराम से ओ, जो एच है ना ये ओ OH एच जो है ना ये भाग अभी तो किया है आपने ऊपर मिथेन वाला क्वेश्चन नहीं किया

तो KCl भी तो क्या बनाता है नमक बनाता है ना पोटेशियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं वो भी तो नमक बना रहे हैं यहाँ पे तो KCl करके आंसर करिए इस क्वेश्चन में नेम द एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू एस ब्लॉक बट इट इज प्लेस्ड इन द पी ब्लॉक उस तत्व का नाम बताइए जो एस ब्लॉक से संबंधित है लेकिन पी ब्लॉक में रखा गया है अच्छा पीरियोडिक टेबल में ऐसे भी एलिमेंट्स हैं तो ऐसा भी है एक एलिमेंट ऐसा एलिमेंट बताइए पीरियोडिक टेबल में जो जो बिलोंग बिलोंग करता करता है block, मतलब जो को करता है एस एस ब्लॉक ब्लॉक मतलब को लेकिन रखा गया है पी ब्लॉक में बताइए किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे नेम द एलिमेंट दैट बिलोंग टू एस ब्लॉक बट इट इज प्लेस्ड इन पी ब्लॉक हाइड्रोजन हाइड्रोजन कैसे हाइड्रोजन तो उल्टा हो गया हाइड्रोजन तो वो है कि जो बिलोंग करता है पी ब्लॉक को लेकिन रखा है एस ब्लॉक में अपन पूछ रहे हैं जो बिलोंग करता है एस ब्लॉक को एस ब्लॉक को लेकिन रखा गया है पी ब्लॉक को हाइड्रोजन और हीलियम दो आंसर मेरे पास तो हीलियम वाले बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं हाइड्रोजन वाले बच्चे इसी क्वेश्चन को अगर मैं उल्टा कर दू ना बिल्कुल उल्टा कि उस तत्व का नाम बताइए जो पी ब्लॉक से संबंधित है लेकिन रखा गया है एस ब्लॉक में तब हाइड्रोजन आंसर होता अब दोनों देख लो ये देखो यहाँ पे है ना पीरियोडिक टेबल अच्छा आगे है पीरियोडिक टेबल ना तो मैं आपको दिखा देती हूँ अभी यहाँ पे ना आगे पीरियोडिक टेबल में द पी ब्लॉक एलिमेंट अलॉन्ग विद एस ब्लॉक एलिमेंट आर नोन एज या आर कॉल्ड एज डैश दो पी ब्लॉक एलिमेंट है उनको एस ब्लॉक के एलिमेंट के साथ क्या बोला जाता है अब आप पीरियोडिक टेबल में देखो ये एस ब्लॉक है ये डी ब्लॉक है ये यह यहाँ पे हो गया पी ब्लॉक है ना तो पी ब्लॉक में कुछ एलिमेंट जो है वो एस ब्लॉक के भी होते ये वाले हैं. तो आप इस पूरे को मिला के क्या बोलते हो क्या बोलते हैं इनको याद पी ब्लॉक एस ब्लॉक पी ब्लॉक अच्छा एस और पी बता दो यहाँ पे एस और पी को क्या बोलते हैं इनको क्या बोला जाता है इनको तो ट्रांजिशन बोला जाता है एस पी डी और नीचे होता है एफ चार ही तो ब्लॉक होते हैं आपके ये एस ब्लॉक ये पी ब्लॉक ये एफ ब्लॉक और ये डी ब्लॉक है ना तो हम एस और पी को मिला के क्या बोलते हैं बताइए डी ब्लॉक को तो हमने बोल दिया ट्रांजिशन यानी कि संक्रमण जो धातु है ना उनको बोला जाता है तो आप एस को क्या बोलोगे बेटे ट्रांजिशन डी को बोलते हैं ट्रांजिशन डी ब्लॉक को बोला जाता है नवदीप बिल्कुल यहाँ पे ट्रांजिशन जो है वो डी ब्लॉक को बोलते हैं आपके पास दो ही तो तरीके के इनर ट्रांजिशन चलो इनर ट्रांजिशन जो है वो ये वाले हो गए यहाँ पे जो एस ब्लॉक अच्छा इसको मुझे प्रॉपर बताना पड़ेगा ना आप लोग को देखो ये पीरियोडिक टेबल जिसमें ये हो गया पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप ये रखा है ऊपर हाइड्रोजन देन शुरू हुआ अपना आ, डी ब्लॉक ये एस ब्लॉक हो गया ये डी ब्लॉक हो गया फिर शुरू हुआ अपना पी ब्लॉक है ना ये पी ब्लॉक हो गया तेरह uh, से शुरू किया अठारह पे खत्म ये तीन से शुरू हुआ ये बारह पे खत्म ये पहला ये दूसरा नीचे हो गया एफ ब्लॉक यहाँ पे कुछ एलिमेंट जो है ना वो होते हैं एस ब्लॉक के तो ये होते हैं इनर ट्रांजिशन डी ब्लॉक जो है वो बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट ठीक है ट्रांजिशन यानी कि संक्रमण क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन है, होते हैं वो फिस्थाई नहीं होते घूमते रहते हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को मिला के अपन लिखते हैं रिप्रेजेंटेटिव क्या बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव यानी कि आपको आंसर करना था बी वाला आप बताओ सही है यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स करके बोला जाता है B block के elements को। The old and, अभी आगे एक periodic table है उससे मैं बता देती हूँ द ओल्ड एंड वॉन आउट आरबीसी पुरानी और खराब हो चुकी लाल रक्त कणिकाओं को कौन खत्म करता है बताइए हंड्रेड टू वन ट्वेंटी डेज की जीवन चक्र होती है जैसे इन्होंने हमारे शरीर में काम किया तब तक हम राजी हैं खुश हैं उनको अपने ब्लड में सर्कुलेट कर रहे हैं एस सुन एज वो खराब हो गई पुरानी हो गई तो हमने उनको निकाल के कहाँ पे डाल दिया या किसके अंदर चली गई स्प्लीन के अंदर चली गई प्लीहा के अंदर जहां पे जाके अभी वो क्या हो जाएंगी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी या खत्म हो जाएंगी वो रहा स्प्लीन स्प्लीन की अभी लोकेशन करके याद रखिएगा आप लोग कि पेनक्रियाज के बिल्कुल टेल वाले पार्ट में स्प्लीन अटैच होती है इनफैक्ट स्प्लीन को जो ब्लड वेसल्स ब्लड देती है वही पेनक्रियाज के आखिरी पार्ट में भी ब्लड लेके जाती है स्प्लीन करके याद रखिए जर्विक सेवन क्या है जर्विक सेवन अच्छा आपको पता है ना एक आर्टिफिशियल हार्ट बना लिया गया है जो सबसे नैनो हार्ट जिसको बोला जा रहा है दुनिया का सबसे छोटा हार्ट है साइज भी पता नहीं उसका बहुत ही इंचेस वगैरह में है तो जर्विक सेवन जो है ये क्या है ये पहली बात तो ये कि ये साइंटिस्ट के नाम पे है ठीक है साइंटिस्ट के नाम पे है और ये छोटा सा ना एक आर्टिफिशियल हार्ट है जो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे या परमानेंटली रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल यहाँ पे किया जा सकता है है ना और उसके अलावा ये भी याद रख लीजिए कि दुनिया का पहला आर्टिफिशियल हार्ट जो कि किसी बॉडी के अंदर जाके वर्किंग हो चुका है वो भी बनाया जा चुका है ठीक है आर्टिफिशियल हार्ट या जर्विक सेवन जो है वो याद रखिए ये हार्ट के लिए बोलते हैं हार्ट के लिए है ना चैल्कोजेंस आर दी एलिमेंट्स ऑफ दी ग्रुप

एग्जैक्टली exactly हाइड्रोजन की पोजीशन यही होती है और वही मैं आपको समझाना चाह रही थी कि हाइड्रोजन यहाँ पे रखा जाता है लेकिन हाइड्रोजन की एग्जैक्ट पोजीशन होनी चाहिए ये तो ऐसा एलिमेंट जो बिलोंग करता है बिलोंग करता है पी ब्लॉक को लेकिन रखा गया है कहाँ पे एस ब्लॉक को और helium, helium, जो कि होना चाहिए कहाँ पे यहाँ पे होना चाहिए बेरिलियम के ऊपर होना चाहिए लेकिन रखा कहाँ गया है रखा गया है पी ब्लॉक में तो ये याद रखिए ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछते हैं और ये रहा पूरा यहाँ पे अच्छा जितने भी आपको ये ब्लू कलर के एलिमेंट्स दिख रहे हैं ना ये वाले इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या बोलते हैं इनर ट्रांजिशन या पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है तो कई बच्चों को ये नहीं समझ आता ना पीछे की इनर ट्रांजिशन क्या होते हैं तो देखो ये पी ब्लॉक है पी ब्लॉक में ही आपने क्या कर दिया कि कुछ कुछ जो मेटल्स हैं वो डाल रखे हैं तो वो पी ब्लॉक के अंदर है ना तो इसलिए आपने बोल दिया कि भाई ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ये ट्रांजिशन ये इनर ट्रांजिशन अंदर घुसे हुए जो एलिमेंट्स है ना उनके लिए चलिए ये बताइए विच वन ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दी बेस्टी बी क्लियर को क्लियर नव तो ये कहाँ पे होगी तो कोकलिया जो है वो कहाँ पे होता है ये बताइए कोकलिया जो है ना ये कहाँ पे पाया जाता है सिर्फ आपको इतना बताना है कोकलिया जो है वो कहाँ पे पाया जाता है ये बताइए अब जब भी आपको ये लिखा है ना ये क्वेश्चन और आपको ये स्टेटमेंट दिख रही हो ये वाली और इसमें आपको एक छुपा हुआ वर्ड दिख रहा है कोकलिया तो कोकलिया जो है ना वो हमेशा हमारे कान से रिलेट करती है किससे रिलेट करती है कान से तो अब आप बताइए ऑप्शन के हिसाब से कि वेस्टिबुलर कोकलिया जो है वो कान को आंखों से कनेक्ट कर रही है कान को दिमाग से कनेक्ट कर रही है ईयर को माउथ से कनेक्ट कर रही है या ईयर को से हालांकि याद रखिए कान नाक गला ये और ये आपस में चारों एक पॉइंट पे जाके जुड़ जाते हैं कभी आंख में दवाई डालते हैं ना तो गले में पहुंच जाती है आ, कान में दवाई डालते हैं तो मुंह में पहुंच जाती है या तेल सरसों का तेल कभी कान में डालते हैं तो वो धीरे धीरे रिश्ता हुआ ना मुंह तक भी पहुंच जाता है, है ना तो ये वाली चीज है तो आप बताइए कि हम अगर यहाँ पे इसको जोड़े हैं तो इसको कहाँ जोड़े हैं ईयर को किससे जोड़े हैं यहाँ पे को किससे जोड़े हैं हम ईयर को जोड़े हैं अपने ब्रेन से तो बेस्टिवलर कोकलिया नर्व जो है वो कौन सी नर्व है जो हमारे कान को जोड़ रखी है तो ये वाली जो है ना नर्व जिसको बोला जाता है ये वाली तो ये बेस्टिवलर कोकलिया नर्व है एकदम देखो पीले रंग की छोटी सी ये रही ना आपकी बेस्टिवलर कोकलिया नर्व करके इसको बोलते हैं सीधा सीधा ना पॉन्स वेरोलाई से जोड़ रही है और पॉन्स वेरोलाई से होती हुई कहाँ जाएगी पॉन्स वेरोलाई से होती हुई ये सीधा सेरिबेलम में जाएगी याद रखिएगा हमारा कान हमारे ब्रेन से दो जगह से जुड़ा रहता है एक सेरी ब्रंग से जुड़ा रहता है ताकि आपने जो सुना आप समझो और दूसरा यहाँ पे सैरी बैलम से ताकि कान का जो बैलेंस है वो हमारे बॉडी के बैलेंस करने में ना मदद करे तो दो जगह याद रखिएगा आयोडीन ऑप्टेन फ्रॉम फिर उसके बाद अपन लास्ट के टेन क्वेश्चन करेंगे ठीक है आंख में दवाई डालने पे गला हाँ हाँ एग्जैक्टली ये वही है आपके सारे के सारे जो सेंस ऑर्गन है आ, फेस पे वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट है आईज नोज टेस्ट रिसेप्टर या गला या ईयर ये चारों चीजें जो है वो एक साथ कनेक्टेड होती है आयोडीन इज ऑपटेन फ्रॉम आयोडीन जो है वो कहाँ से पाई जाती है तो लेमिन याद रखिये आयोडीन जो है वो लेमिन नाम का एक एलगी होता है उससे हम निकाल सकते हैं बहुत ज्यादा वैसे भी एलगी जो है वो प्रोटीन का अच्छा सोर्स होते हैं तो जो भी प्रोटीन निकाली जाती है वो एलगी से ही निकाली जाती है और अगर

तो पोर्टल सर्कुलेशन एंड्स इन है ना तो लिवर करके याद रखें मतलब दो एंड्स की बात हो रही है यहां पे तो लिवर करके याद रखिए अच्छी ये बताइए नेम द वेन दैट ड्रेन ब्लड फ्रॉम गॉल ब्लैडर डायरेक्टली इन टूट हिपैटिक नहीं पता होना चाहिए पता होना चाहिए ना हमारा गॉल ब्लैडर जो है उसको वो कहां पे रखा हुआ है जो है गॉल ब्लैडर जो वो लिवर के अंदर में रखा रहता है ऐसे कहां पे यहां पे तो लिवर के अंदर से या गॉल ब्लैडर से जो खून लेने लेके जाने वाली जो नस है या गॉल ब्लैडर को जो खून देती है नस वो एक्जैक्टली exactly कहां से आती है तो उसको सिस्टिक वेन करके याद रखिएगा ठीक है लिवर से आने वाली या जो ब्लड है या वेसल है जो कि किसको खून दे रही है गॉल ब्लैडर को खून दे रही है उस वेन को एग्जैक्टली exactly क्या बोलते हैं तो आप याद रखिएगा सिस्टिक वेन के नाम से इसको जाना जाता है किस नाम से सिस्टिक वेन के नाम से ठीक है सिस्टिक वेन के नाम से इसको जाना जाता है हाउ मेनी हिपैटिक वेन्स आर प्रेजेंट टिक वेन्स तो यकृत के अंदर टोटल जो है वो कितनी नसें मौजूद होती हैं आपको ये पूछा जा रहा है कि पूरे हिपैटिकपैटिक वर्ड किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है आप याद रखिएगा हम लिवर के लिए या यकृत के लिए इस्तेमाल करते हैं organ. तो लिवर आप देखिएगा ठीक है लिवर अब आपसे पूछा जाए कि पूरे लिवर के अंदर कितनी वेन्स जो है कितनी नसें या कितने शिरा जो है वो मौजूद होते हैं ना तो आप लिखिए कि भाई वेन्स के अंदर हमारे पास टोटल तीन नसें जो हैं वो मौजूद होती हैं तीन नसें अब ये इजी है ये बताइए ब्लड टू जो हमारे लंग से आ रही है पल्मोनरी वेन है ना तो ये आपको बस इतना बताना है कि ये हृदय के कौन से कक्ष में जो है ना ये ब्लड सप्लाई करने का काम करते हैं और डायग्राम पूरा हुआ तो आपका ये स्टेटमेंट भी पूरा हो गया अब बताइए पोर्टल वेन या सॉरी पल्मोनरी वेन शिरा ये रक्त जो देती है ना ये कौन से चैम्बर को आके देती है कौन से चेंबर को लाके देती है पल्मोनरी वेन्स कैरीज ब्लड टू द चैम्बर पल्मोनरी वेन जो है वो ब्लड लेके कौन से चैम्बर को देती है मैंने डायग्राम भी बना दिया कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आप सिर्फ आंसर बताइए लेफ्ट एट्रियम लिख लें क्या ये जो है वो लेफ्ट साइड है है ना और ये हमारे हार्ट की जो है वो राइट right साइड है हमारा जो लंग है वो क्या करता है शुद्ध रक्त को कहाँ पे कैरी करता है या कहा डालता है लाके थर्ड चैम्बर में डालता है और थर्ड चैम्बर जो है वो क्या बोला जाता है लेफ्ट ऑरिकल ऊपर वाला चैम्बर है तो ऑरिकल बोलेंगे है ना तो लेफ्ट ऑरिकल करके याद रखिए लेफ्ट ऑट्रियम या लेफ्ट एट्रियम को अच्छा ऑरिकल को एट्रियम भी बोला जाता है या आलिंद और निलय बोलते हैं ना तो एट्रीय करके याद रखिए ऊपर का आलिंद हो जाता है नीचे के जो होते हैं वेंट्रिकल्स उनको हम निलय बोलते हैं और निलय तो ऑप्शन में दिया भी नहीं है लेफ्ट एट्रियम ठीक है लेफ्ट एट्रियम ये अच्छा ये है तो यहाँ पे पल्मोनरी वेन पूरा कहाँ पे ब्लड दे रहा है थर्ड चैंबर में जाके ब्लड को सप्लाई करता है व्हाट आर दी स्ट्रक्चर्स दैट कीप्स ब्लड फ्लोइंग इन यूनि डायरेक्शन देखिए हमारे शरीर में कई ऐसी नसें भी हैं जो पैरों से आ रही हैं या नीचे वाले हार्ट तो हमारा यहाँ पे रखा है ना लेफ्ट हैंड साइड पे लंग्स के बीच में रखा है अब अगर शरीर के नीचे से ऊपर से जो नसें आ रही हैं वो तो लाके ब्लड दे देंगी हार्ट को लेकिन जो नीचे से यानी भी नस आ रही है। वो तो खून को हार्ट, जो है वो हार्ट को देगी तो ब्लड जो है वो उल्टा फ्लो होने लग रहा है ना तो उस चीज को अपन बोलते हैं कि ये यूनिडायरेक्शनली जाता है तो कौन सी चीज जो है ना वो यूनिडायरेक्शनली लेके जाने में उसको हेल्प करता है बिल्कुल ठीक है यहाँ पे अः क्या रखेंगे याद यहाँ पे अनिता आ, बिल्कुल यहाँ पे देखो वेल्स याद रखो ना आपकी जो नर्व वगैरह होती है उनमें वेल्स होती हैं ऐसे तो आर्टरीज ज्यादातर जब ऊपर लेके जाती है तो आर्टरीज में तो प्रेशर इतना मेंटेन हो जाता है कि वो कभी भी ना दिक्कत नहीं करते और वैसे भी आर्टरीज जो है वो ज्यादातर खून लेके आती हैं तो उनको दिक्कत होती नहीं है वो नीचे भी सप्लाई करेंगी ऊपर भी सप्लाई करेंगी वेन्स को ज्यादा दिक्कत होती है क्योंकि वेन्स को ऊपर खून लेके जाना है है ना लेके जाने के लिए इनके बीच में वेल्व होते हैं ये देखो ये जो है ना ये वेल्व है छोटे छोटे इनको हम क्या बोलेंगे एकदम एकदम कभी कभी नसों में आप देखना पैरों में ऐसे फड़कन सी मचती है ना तो वही मूवमेंट जो है उसमें गड़बड़ हो जाता है तो जैसे जैसे ऊपर होगा ना वेन्स देखो ये वेल्व है यहाँ पे तो ये कपाट जो है जैसे खून जा रहा है ना तो वो बंद होते चले जाएंगे ऐसे तो फिर ना खून वापस नहीं आएगा यूनिडायरेक्शनल करके याद रखिएगा वेंस करके ना अपन इसको बोलते हैं अच्छा डैश रिटर्न्स ब्लड फ्रॉम द हेड नेक थोरैक्स एंड अपर लिम्स टू द राइट एट्रियम अब राइट वाला कौन सा पार्ट है अभी अपन ने ड्रा किया है यहां पे चेंबर्स के हिसाब से अगर अपन ड्रा करें तो राइट जो वाला पार्ट है राइट क्या लिखा है यहाँ पे ब्लड फ्रॉम दी हेड नेक एंड थॉरिक्स तो अपर वाले पार्ट से जो ब्लड आएगा वो कौन से चैम्बर में आएगा ये राइट साइड ऑफ दी हार्ट ये लेफ्ट साइड ऑफ दी हार्ट तो खून जब भी हार्ट के अंदर आता है तो कौन लेके आते हैं यहाँ पे जब भी गंदा खून जो है वो आता मैंने बोला कि हार्ट के अंदर खून लेने का आने का, का काम कौन करता है कौन लेके आ रहा है तो आने का काम जो है वो हमेशा वेन्स करेंगे लेकिन शरीर से खून हार्ट से खून वापस बॉडी को देना है तो वो देने का काम कौन करेगा वो करेगा ऑरिकल या एट्रियम करके लिख दे या हमारी जो आर्टरीज होती हैं वो काम करते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे ब्लड को जब सप्लाई हमारा ब्लड जो है रिटर्न ब्लड्स फ्रॉम यानी कि वापस लेके आने का काम करते हैं तो वापस लेने का आने का काम कौन करेगा यहाँ पे जो नस होगी और यहाँ पे अपनी ना पहले चैंबर में ये पहला चैम्बर

कि जो हाथ हैं अच्छा अपर लिम्स से तो सुपीरियर वीना कावा लेके जाएगी लोअर लिम्स स्टमक एब्डोमेन इन एरिया से खून कौन लेके जाएगा तब आप इंफीरियर वीना कावा आंसर लिखते ये बराबर है ना सबको हार्ट के स्ट्रक्चर आज या कल में अपन अन अकेडमी की क्लास में करेंगे छे वाली उसमें बहुत क्लियर हो जाएंगे कंपेयर टू दर्टरीज वेन्स जो है ना देखिए दो तरीके की है ना हमारी मेनली देखा जाए तो दो तरीके की हैं आर्टरीज और वेन्स आर्टरीज के मुकाबले जो वेन्स होती हैं उनकी पतली भित्ती होती है या उनकी जो शेप होती है ना काटने कटने पर उनके आकार को बेहतर नहीं नहीं होल्ड शेप बेटर वेन कट हैव प्लीटेड एंडोथेलियम या हैव स्मूथ मसल्स तो अगर इसका ये क्वेश्चन आता है ना देन जस्ट थिंक थोड़ा नॉर्मल सोचना है बहुत ज्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं है ये इजी क्वेश्चन है ऑप्शन है हैव थिनर यानी कि पतली भित्ती होती है आर्टरीज़ की जो भित्ती होती है वो मोटी होती है इनकी वॉल जो है वो मोटी होती है और वेन्स की जो वॉल होती है वो पतली होती है वेन्स में ना वेल्व होते हैं तो अगर मोटी मोटी होगी ना उसकी लेयर तो वेल्व्स को खुलने और बंद होने में दिक्कत होगी मोटा एगा आर्टरी के अंदर तो वेल्व का पार्ट होते ही नहीं है तो ये उसके कॉन्टेक्स में याद रखिए कि जो है ना उनकी थिनर होती है यानी कि पतली शिर, पतली होती है उनकी वॉल डैश सर्कुलेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम हार्ट टू रेस्ट ऑफ बॉडी ये बताइए हमारा कौन सा सर्कुलेशन अच्छा हमारे बॉडी के सर्कुलेशन को बोलते क्या है सिंपल अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हमारे बॉडी का सर्कुलेशन जो है वो क्या होता है डैश सर्कुलेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम दी हार्ट टू दी बॉडी बताइए अगर हमने ये बोला कि हमारी जो आ, जो हमारा ये वाला सिस्टम है ये हमारे पूरे बॉडी को हार्ट से लेके ब्लड देता है तो आप पल्मोनरी सिस्टम याद रखिए या पल्मोनरी सर्कुलेशन हमारे बॉडी का जो सिस्टम है वो पल्मोनरी सिस्टम है यानी कि पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन वही तो मेजरली क्या कर रही है ब्लड को लेके आने का काम कर रही है ब्लड को लेके जाने का काम कर रही है तो कभी आपसे पूछा जाए कि हमारी बॉडी का सिस्टम क्या होता है तो आप लिखोगे हमारी बॉडी का जो सिस्टम है वो पल्मोनरी सिस्टम बोला जाता है क्या पल्मोनरी सिस्टम ठीक है हमारे बॉडी का जो सिस्टम है सर्कुलेशन का वो पल्मोनरी सिस्टम करके बोलते हैं अच्छा लास्ट क्वेश्चन विच आर्टरी कैरीज ब्लड टू पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग तो कल वाली क्लास आपने जिसने रिवाइज किया होगा ना पीडीएफ आपको दी जाती है पीडीएफ कई लोग प्रिंट निकालते हैं लेकिन वो प्रिंट रखा ही रह जाता है कभी रिवाइज नहीं होता पीडीएफ सेव कर लेंगे वो सेव ही रहेंगी जिंदगी भर रिवाइज नहीं होंगी अगर कल वाली पीडीएफ रिवाइज की है तो इसका आप आंसर दे पाओगे बताओ अगर अपन बोले कि हमारे पैर में जो हमारी आर्टरी है वो कौन सी है जो कि विच आर्टरी कैरीज दी ब्लड यानी कि कौन सी आर्टरी जो है वो पैर में ना ब्लड पैर में ब्लड लेके आ रही है बताइए जल्दी जल्दी और मैंने कल बताया आपको नहीं लर्न किया हूँ ना आप ये चीजें इसीलिए तो रिवाइज नहीं करोगे तो गड़बड़ यहाँ पे होगा तो यहाँ पे क्या लिखना है फेमोरल करके याद रखिए देखिए पैरों के अंदर आपने फीमर नहीं पढ़ा है फीमर फीमर कौन सी हड्डी को बोलते हैं जो पैरों की हड्डी होती है उसको बोलते हैं हमारे पैर की सबसे बड़ी हड्डी हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है तो आप इस ऑप्शन को ध्यान से भी देखेंगे ना तो फीमर करके लिखा हुआ है पोस्टीरियर पार्ट में और कल भी मैंने आपको बताया था लेटरल और पोस्टीरियर फेमोरल जो होते हैं वो ब्लड सप्लाई करते हैं हमारे पैरों को तो लेटरल फेमोरल सरकम सरकम करके याद रखिए या फेमोरल करके याद रखिए फेमोरल करके बोला जाता है ठीक है अभी के लिए गाइज थैंक यू सो मच लेट्स मीट टुमारो अभी मैराथन जो है उसको याद रखिएगा ये क्लास आपकी डेली सुबह सात से आठ चलती है जहां पे हम चालीस क्वेश्चन करते हैं और टेस्ट के फॉर्म में करते हैं मतलब आज जो है टेस्ट विद एक्सप्लेनेशन ठीक है टेस्ट विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पे पूरा उसके अलावा आपकी दो क्लासेस अन पे चलती हैं

उसके अलावा आपका जो एस एस सी का मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर जो चल रहा है वो भी यहाँ पे आप ले सकते हो और रेलवे वाले बच्चे भी ले सकते हैं क्योंकि आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी साथ में आपको ना रेलवे की तैयारी के साथ साथ एस एस सी की तैयारी भी हो जाएगी प्राइस हाइक चल रहे हैं कभी भी ऐसा ना हो कि प्राइस बढ़ जाए और फिर आपको यहाँ पे टेंशन हो जाए तो चौबीस महीने और बारह महीने का जो प्राइस है अभी मंथली वो आपका कम है और बाद में ये जो है ना प्राइस बढ़ जाएगा इसीलिए जो लोग सोच रहे हैं ना सब्सक्रिप्शन लेने का तो सोचिए मत अभी इसको जरा एग्जीक्यूट कर दीजिए जो भी सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं नीट का आईआईटी का आरपीएससी का और कोई भी स्टेट सर्विसेज या कोई भी एसएससी uh, है बैंक है रेलवे है तो उसके लिए आप शिप्रा लाइव कोड जो है वो यूज यहाँ पे कर सकते हैं ठीक है अन अकेडमी पे फॉलो कर लीजिए ताकि क्लासेस और आपको दिखती रहे अन अकेडमी पे भी छह बजे उसके बाद सात बजे उसके बाद नौ बजे ये तीन क्लासेस फ्री स्पेशल क्लासेस चल रही है फ्री स्पेशल क्लास कुछ भी नहीं करना है आपको पीडीएफ इस क्लास की कहाँ मिलेगी तो सबसे ज्यादा टेंशन पीडीएफ की है तो कमेंट सेक्शन में जब ये क्लास खत्म हो जाती है तो आफ्टर फिफ्टीन मिनट्स जो है वो कमेंट सेक्शन में आपको पीडीएफ नज़र आएगी पीडीएफ का जो लिंक है ना वो आपको नजर आएगा और साथ में 6 बजे से सात बजे वाली जो क्लास है दूसरा लिंक होगा उसका तो आप दोनों क्लासेस जो है वो ज्वाइन कर लीजिए आज भी है आपकी छः से सात वाली क्लास अच्छा एक बार इसको विजेंद्र में बाद में देखती हूँ नहीं नहीं दो पी वाली क्लास अभी नहीं चल रही है अभी आपकी सिर्फ तीन क्लास है अकेडमी पे छह बजे वाली सात बजे वाली और नौ बजे वाली ये तीन क्लासेस आप ज्वाइन कर लीजिए दो बजे वाली क्लास जो है ना वो हम शनिवार शनिवार करते हैं सिर्फ सैटरडे सैटरडे करते हैं तो वो एक बार आप ज्वाइन कर लेना ठीक है अभी के लिए गए थैंक यू सो मच लेट्स मीट टुमारो अभी मैं उसको चेक कर ले एक बार और अभी टुमारो क्यों भाई अभी नौ बजे स्टैटिक जीके की क्लास है वो आप ज्वाइन कर लीजिए और शाम को जो छह बजे वाली क्लास है साइंस की उसको आप ज्वाइन कर लीजिए उसमें अभी